ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। वो पहले वक्त की बात थी जब बाजाइयां जो ना नंदो को दबा के रखती थी, अभी कमर्शियल दार आ गया है बाबा, मैं अब किसी से डरती बढ़ती नहीं हूँ। तो क्या तुम तलवारें चलाओगी? तलवार चलाने की मेरे को जरूरत नहीं है, तुम तो नाखून कटर से ही ना मैं तुमको छील कर फेंक दूँ। अरे अरे यार, आप लोगों ने तो बाहर बाजार बना दिया घर को भी। जानी इसकी ना जुबान बहुत चलने लगी है। हालांकि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जानी इसको देखो, मुझे कह रही है मैं यहाँ से चली जाऊँ। वैसे कह तो ठीक रही है, मेरा मतलब है क्या बात है? इसे पूछो ना, ये शादी के लिए हाँ क्यों नहीं करती? जानी भला तुम खुद देखो मेरी उम्र ही कितनी है, शादी की थोड़ी है। अल्लाह को जान देनी है, मैं तो सच बताऊंगा, करारदादे पाकिस्तान के जलसों में इसने नारे लगाए। हाँ मुझसे भी कम से कम 15 साल बड़ी होगी तुम। हाँ बल्ले बल्ले, मैं तो जैसे भला मुंजो दड़ में काउंसलर लगी हुई थी ना। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम शादी करके कब जाओगी इस घर से, कब जान छोड़ोगी हमारी? देखो जानी की जब तक शादी नहीं होगी ना तब तक मैं भी शादी नहीं करूंगी। कर ली शादी तुमने, अरे मुझे अपने पैरों पे तो खड़ा होने दो। तुम्हें क्या भला अभी फुटपाथ पे खड़े हुए हो? ओहो मेरा मतलब है कि मैं कुछ बन तो जाऊं। वैसे बात तो सही कह रहे, पहले कम से कम इंसान तो बन जाओ। अभी मैं चाइना की बत्तख लग रहा हूँ। अरे भला छोड़ो इन बातों को, भाजी ऐसा करो कि तुम मुझे अभी फटाफट इमरजेंसी है, मेरे को 20,000 रुपए दे दो। 20,000? 20,000 बार भी मांगोगी ना तब भी नहीं दूंगी। ए हल्ले मुई, मैं अपने अदा से जाके ले लूंगी, मेरे अदा के ऊपर भी पैसों पे ऐसे करने वाली मेरे को 20,000 नहीं देगी मुई भिड़सा। देखो देखा तुमने इसको, मुझसे तो ज्यादा देर देखी नहीं जाती, इतनी कब जाएगी इस घर से। अरे बाबा को अरे बाबा, आप कौन है और क्यों रो रही हैं? मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे बाबा किसी टीवी शो में? जी अब मेरा मतलब है किसने धोखा दिया है बाबा, नाम बताओ। जानी। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं मेरा मतलब उसका नाम जानी है। जानी? अरे बाबा वो तो मेरा नौकर है। अब वो मेरा नौकर है, मेरा मतलब है मेरा शोहर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा जानी ने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं है। दरअसल हमने लोग कब बुलाए थे। अच्छा बाबा काजी तो आया था ना। वो नहीं आता तो निकाह कौन पढ़ाता? ये बात भी है, वैसे आपको किसने बताया कि जानी यहाँ रहता है? वो शौकत भाई मिले थे, उन्हें मैंने तस्वीर दिखाई, उन्होंने बताया कि वो यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्होंने मुझे धोखा दिया है, मेरे घर वालों ने जहेज में कार नहीं दी तो मुझे यहाँ छोड़ कर चले आए। अच्छा बाबा अच्छा, आप रो नहीं रो नहीं, आप हमारे साथ अंदर आओ, हम मिलवाता है जानी से। आओ बाबा अंदर आओ, शाबाश। भाजाई ये तो बाबा पूरी प्रॉपर दुल्हन बनी हुई है। आप लोग कौन है? जानी हमारे घर में नौकरी करता है। बच्चू बता रहे थे कि उसने तुमसे शादी कर ली है। जी और मैंने भी उनसे कर ली है। अब लेकिन जानी ने तो भला हमें से इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी आदत है, वो बचपन से ही झूठ बोलते हैं, इसीलिए स्कूल में रोज पिटते थे। तुम और जानी स्कूल से दोस्तों? हाँ हमने तो ट्यूशन भी साथ ही पढ़ी है। शक्ल से तो वो मुझे पढ़ा लिखा लगता नहीं है, मुझे तो लगता है कि उसने स्कूल की दीवार को हाथ भी नहीं लगाया होगा। खबरदार जो मेरे शौहर के बारे में कोई गलत बात की तो। इसका मतलब ये है कि जानी ने हमसे झूठ बोला, धोखा दिया हमें। चलो मेरे साथ। जानी कहाँ है? वहीं ले जा रही हूँ, चलो मेरे साथ चलो। जानी की दुल्हन ये, मेरा क्या होगा? अरे बच्चू भाई आपका दिमाग तो ठीक है, मैं शादी करूं और आपको ना बुलाऊं ऐसे सोचा कैसे? अरे जानी बाबा तुम झूठ बोल रहे हैं, 100% तुम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमें समझ आया है हमारे कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है, पैसा जाता किधर है। झूठ 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 है, सब झूठ है। जानी ये कौन है? मैं तो जानता ही नहीं इनको।
दुल्हन पहचानो यही है। मेरी निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती, यही है मेरे सरताज। अरे जानी बाबा, तुमने शादी में हमें बुलाया भी नहीं ना। कैसे बुलाता, मैं खुद नहीं गया? क्यों बुला गया? गाड़ी में जगह कम पड़ गई थी क्या? भाई मैं नहीं जानता इनको। ऐसा तो मत कहे, हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। देखिए कस्में वो खाते हैं जो झूठे लोग होते हैं, कसम से। जानी बाबा हमें सच सच बताओ, ये माजरा क्या है? हाँ जानी, सच सच बताओ, झूठ बोलोगे तो हम यकीन नहीं करेंगे। हम वैसे ही कौन सा यकीन कर रहे बाबा, दुल्हन की आंखें ना झूठ नहीं सच बोल रही हैं। बात सुने बहन, आपका दिमाग तो ठीक है ना? क्या आपने मुझे बहन कहा? दुल्हन, दुल्हन बेहोश हो गई तो। बेग साहब का नंबर कहाँ? ये बेग, हेलो जी, बेग साहब थाने में? अच्छा बाहर हैं। अच्छा अच्छा, बेग साहब थोड़ी सी परेशानी हुई है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्रॉड हो रहा है यहाँ पे। एक काम करें, फ्रूट बाद में जमा कीजिएगा। हाँ बस आए, जल्दी आने की करें। ओके जानी, मैं ना तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं समझती थी। मैं तो इसको ऐसा ही समझती थी। आप दोनों पागल तो नहीं हो गई? जानी तुम्हें उसको अब अपनाना पड़ेगा। हाँ जानी, उसकी जिंदगी का सवाल है। सीमा मैडम, मैं उसको जानता तक नहीं। हाँ मैंने एक फिल्म में देखा था, पहले जो है ना हीरो मुकर जाता, बाद में वो ठीक हो जाता है। कौन सी फिल्म? लो दुल्हन फंस गई। ये किसकी मूवी है? अरे बाबा नई फिल्म आई है, मुझे छोकरा छोकरी का नाम नहीं पता। अरे भाई मेरी बात सुने, ये लोग मुझे फ्रॉड लग रहे हैं। फ्रॉड वो है जो तुमने उसके साथ किया है। देखिए आप दोनों को तो मेरी साइड लेनी चाहिए, मैं तो आपका आड़ी हूँ। क्यों बला, क्या हम यहाँ कोई बर्फ पानी खेल रहे कि तुम इसके आड़ी बनोगे? जरीना तुम तो मेरी बात मान जाओ। मैं क्यों बला तुम्हारी बात मानू? तुमने मेरी कोई बात मानी थी? वादा मेरे से किया, शादी उससे की, डूब मरने का मतलब खुदकुशी कर ले बता। अब कैसे समझाऊं? या अल्लाह, या तो मुझे बचा दे या इन दोनों को उठा दे। किसको समझाऊं मैं? या अल्लाह इस मुसीबत से बचा। एक साहब, मैं साहब नहीं आया। बेग साहब, हाँ बेग साहब, फ्रूट अगर जमा कर लिया तो जल्दी आ जाए, इधर अजीब हालत हुई। अरे आ जा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अब बेहतर है थोड़ी थोड़ी। आपका नाम क्या है? याद नहीं। ए बाबा, नाम याद नहीं है, कहीं याददाश्त तो नहीं चली गई? ये भी याद नहीं। ए बाबा, मैं आपको ना बादाम खिलाऊंगा। बादाम क्यों? बाबा याददाश्त वापस आ जाएगी बादाम खाने से। बच्चू। हाँ बाबा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो इनकी तबीयत ठीक कर रहा था बाबा। सब समझती हूँ मैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें सही करूं, चलो जाओ यहाँ से। आप दोनों कौन है? बाबा मैं इनका शोर हूँ, ये मेरी टीचर है। मतलब ये कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुंवारे। अरे बाबा मैंने ऐसा कब कहा है? बच्चू तुम्हें तो मैं पूछ। अरे नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं तुम्हें उधर ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ बैठी हुई हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। पूरे घर में एक आप है जिसको मैं अपना समझता हूँ, और आप है मेरी बात ही नहीं समझ रही। मेरे सामने नहीं है, ज्यादा मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मगरमच्छ के नहीं, मेरे जाती आंसू है, और मगरमच्छ रोता नहीं है। हाँ तो इसी का मतलब है कि तुम गिरगिट हो। गिरगिट रंग बदलता है, वो भी नहीं रोता। देखा जानी, तुम कितना जल्दी और किस तरह बदल गए हो, बिल्कुल गिरगिट की तरह। अरे मत्रो मेरी माँ, मत्रो मेरा वो मतलब नहीं, आराम से। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम सलाम। बेग साहब आइए आइए, तशरीफ रखे तशरीफ रखे। बहुत शुक्रिया जनाब। सर मैंने ना आपको अपने काम के लिए बुलाया था। अरे भाई मेरा तो खुद भी बहुत दिल चाह रहा था, मगर हमें कोई बुलाता ही नहीं, ना फोन करता है। बेग साहब मैंने आपको यहाँ अपने लिए बुलवाया। अरे भाई लेकिन मैं तो यहाँ किसी और के लिए आता हूँ। अंकल चाय पियोगे? ये क्या अंकल कह दिया? अच्छा अच्छा खैर, दफा करो, तुम्हारी तो मजाक की आदत ही है। जानी तुम बताओ किस काम के लिए फोन किया था मुझे? देख साहब
अंदर एक लड़की आई हुई है, वो कह रही है मैं तुम्हारी बीवी हूँ। भला बताए ये ऐसे कैसे हो सकता है। अरे भाई तुम तो खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें बैठे बिठाए एक दुल्हन मिल गई। मेरी तरफ देखो, मुझे तो कोई प्लास्टिक की गुड़िया भी नहीं देता। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। आइए बेग साहब मैं आपको समझाता हूँ। आइए 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 चलते हैं, ठीक है। आइए बेग साहब आइए 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 आइए। पोड़ो भिड़सा बेशरम। कौन है, क्या है भला? वैसे आपके घर में कोई आया तो नहीं है ना? हाँ तुम आए हमारा मतलब आपने किसी को देखा है? हाँ तुम्हें देखा। एक लड़की गुम हो गई है और मोहल्ले में ना ऐलान हो रहे हैं। कौन लड़की? नाहिद नाम है। नहीं इस नाम की तो यहाँ कोई लड़की नहीं आई। वैसे जानी किधर है? वो अभी मुश्किल में है। और बच्चू भाई? बच्चू भाई उस मुश्किल को हल करने में लगे हैं। लेकिन मुश्किल क्या है ये बताना मुश्किल है। ऐसी भी क्या मुश्किल है जो इतनी मुश्किल है? अरे बाबा हमारे यहाँ कुछ भी हो तुम्हें क्या मुश्किल है? आपके घर में पुलिस वाला भी आया, हम समझे कोई मुश्किल है। इतनी बातें करना मेरे लिए मुश्किल है? ये भी कोई बड़ी मुश्किल है? आखिर तुम दोनों को क्या मुश्किल है? आप हमें बताओ अगर कोई मुश्किल है। बाद में बताऊंगी, अभी तो मुश्किल है। यहाँ तो बहुत मुश्किल है, चलो चलो यार। अच्छा तो ये बात है, आखिर ये वाकया हुआ कब? इन्होंने मुझे धोखा दिया है। इन्होंने? तुम तो ऐसे बोलिए जैसे बीवी शौहर से बात करती है। मोहतरमा आप कहीं अंधी तो नहीं? यही मिला था आपको? तो फिर क्या करती? आपको थाने आना चाहिए था, मैं होता हूँ वहाँ पे। शौहर इसका यहाँ है, ये थाने क्यों आती? चले अब तो मैं आ गया हूँ ना, अब सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा, पर खुद तो सही हो। आपने क्या कुछ कहा? छोड़े बेग साहब आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। नहीं नहीं अब तफ्तीश की जरूरत नहीं है, दुल्हन सही कह रही है। एक तो ये बड़ी गलत बात है, जो औरत कहे वो सही, मर्द को कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ये किसने कहा? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मियां बीवी मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बीवी को सहारे उठा रहे हैं, मर्द को कोई पूछ ही नहीं रहा, उसको भी तकलीफ होती है भाई। अरे सुने ना आप मुझे मोटरसाइकिल पर लेके चले ना। हाँ गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे? ये इन बातों में गोलगप्पे कहाँ से आ गए? जानी ले जाओ ना और वहाँ बैठ के सारे गिले शिकवे दूर कर लेना। चले आपको मैं ले चलता हूँ। क्यों आप क्यों लेके जाएंगे इसे? इसलिए कि इन्हें गोलगप्पे बहुत पसंद हैं और मुझे भी। बेग साहब मैंने आपको अपने लिए बुलाया। क्योंकि इनका दिल चाह रहा है गोलगप्पे खाने का। एक काम करें आप चली जाएं इनके साथ, इनसे तो कोई पैसे भी नहीं लेगा। जानी तुम अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ क्यों भेजोगे? अरे मैंने कितनी दफा कहा ये मेरी बीवी नहीं है, नहीं है मेरी बीवी। है, 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 नहीं है, नहीं है, नहीं है। ख्वाब था यादा, तेरा लाख लाख शुक्र ख्वाब में बचत हो गई। बच्चू मैं सोच रही हूँ कि जाने की उम्र होती जा रही है, क्यों ना उसकी शादी करा दे। हाँ बाबा बात तो ठीक है, लेकिन शादी करके रखेंगे कहाँ? आटे के कनस्तर में, और भी पक जाएगा। ये बात की है ना तुम। बच्चू भाई सीओ मैडम। अरे बाबा क्या हो गया जानी, सब खैर तो है? आपने किसी दुल्हन को तो नहीं देखा? दुल्हन? दुल्हन कौन दुल्हन? लगता है मैंने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा। लेकिन दुल्हन से याद आया हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। वो तो मैंने कर ली। बाबा ख्वाब देखा होगा। हाँ लगता है मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा। लेकिन अब उस ख्वाब को सच करने का टाइम आ गया है। नहीं 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 मैं शादी नहीं करूंगा। अरे क्यों बाबा कब करेगा, क्यामत से दो दिन पहले, उम्र देखिए निकली चली जा रही है। अच्छा जानी बात सुनो, गोलगप्पे खाने का बहुत दिल चाह रहा है, जाके गोलगप्पे तो ले आओ। गोलगप्पे? नहीं 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 जानी। अरे अरे बाबा जानी को क्या हुआ है गोलगप्पे का सुन के? पता नहीं बाबा गोलगप्पे वाले के पैसे तो नहीं देने इसने मुफ्त ने। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अजरीना खैरियत तो है? खैरियत है, क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या देख रही हो?
फिल्म देख रही हूँ भाई। कौन सी है? लो दुल्हन फंस गई। लो दुल्हन फंस गई, सुना सुना नाम लग रहा है ये। तुम बोला क्या सोच रहे हो? हीरोइन का नाम क्या है? नाहिद मेरे ख्याल में। ओ मेरे खुदा, नाहिद! अरे बाबा क्या हो गया, पागल है क्या? स्टोरी क्या है इसकी? स्टोरी है कि दुल्हन के जैस के चक्कर में दुल्हन को छोड़ के भाग गया। फिर? फिर पुलिस आ जाती है। फिर? फिर क्या भला, पूरी स्टोरी देखने दोगे तो फिर पता चलेगा ना। तो खुदा का ये क्या हो रहा है? अरे इस जाने को भला क्या हो गया जैसे इसके पीछे दुल्हन भाग गई है। अरे भाई ऐसा रिश्ता दिखाऊंगा कि देखते ही आप बोलेंगे हाँ भैया। अरे बाबा लड़की कैसी है? अरे भाई बहुत प्यारी है भाई। आपने देखी है? हाँ ना, छुप छुप के। हमें भी दिखाना बाबा। अरे भाई वो पर्देदार लोग हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप कहे तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। लाइन फिर 10,000 रुपए से। किस लिए? अरे भाई रिश्ते वाली खाला को भी तो लोग देते हैं ना पैसे। ठीक है बाबा, लेकिन पहले जानी से तो पूछ ले। जी जी। लो लो आगे जा रहे। अरे जानी मेरे। अरे शकुन भाई कब आए आप? अरे भाई दरवाजा खुला था तो मैंने सोचा सलाम दुआ कर लूं। अब आपकी वजह से दरवाजे भी बंद कराने पड़ेंगे। तो कर दे, मैं कूद के आ जाऊंगा। जानी शौकत भाई तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। कैसा रिश्ता? बकरी का रिश्ता। अरे भाई लड़की का रिश्ता? जाहिल आदमी गधे में इंजन, अजीब आदमी है। खबरदार जो किसी ने मुझसे शादी की बात की, मैंने कोई शादी नहीं करी। क्यों? चले आप। अरे उठे, चले चले। अरे भाई इसको क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? ये दरवाजा अभी भी खुला है। उठे, अरे क्या हो गया भाई? देखे बदतमीजी। अरे चले चले चले, क्या बदतमीजी कर रहे हो आप? ये उठे उठे, चले चले चले, क्या बदतमीजी कर रहे हो भाई? रिश्ता कराने। अरे उठे जानी, लड़की तो देख लो बाबा, आ जाता है बड़ा। निकल निकल, क्या बदतमीजी है भाई? इतना ढीठ आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। उठ उठ बदतमीज, बड़ा रिश्ता करा रहा तू। यार अबे का म्यूजिकल चेयर खेल रहे क्या? उठ उठ जा से। क्या बदतमीजी कर रहे हैं भाई? बाहर निकल सीधा। ईरानी बत्तख जैसा आपका मुंह है। मेरे ख्याल से शीशा देखा है आपने। यार सुन तो ले मेरी। अबे जा बाहर, रिश्ता कराएगा बड़ा। और आ गया यार जी। कौन? सुने ये एड्रेस बता देंगे? हाँ हाँ। तो अरे लाखों रुपए कमा रहे हैं आप लोग। बड़े मुखबर लोग हैं ये। क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं। ये सब छोड़िए, मुझे ये बताइए अकाउंट आपके नाम पर है? आप ही के नाम पे है ना? ये साहब कौन है? ये सीमा के शौहर है, बेचारे बहुत गरीब है, कई दिनों से पेट पे पत्थर बांध के घूम रहे हैं। बाबा पत्थर बांध के? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मोटर चलाने पर पानी आता है? मोटर चलाने पर पानी तो नहीं आता, लेकिन बिल बहुत आता है। फिर ऐसा करो हम बोरिंग कर देता है। वो तो जब से आप खड़े हुए हैं बोरिंग किए जा रहे हैं। ताला लगा दें तो क्या हम दरवाजे से कूद के जाएंगे? ऐसे तो हमारा दम घुट जाएगा ना। अब एक रास्ता है, बाहर जाने का। नहीं, इस मसले का हल। देखो बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है, मुझसे घर में भी कोई बदतमीजी नहीं करता। भाभी भी नहीं करती? वो बदतमीजी करती ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट चप्पल से मारती होगी। हम कोई अपना मसला बताएं तो आप हल कर देंगे? क्यों नहीं भाई, सारे मोहल्ले के मसले मैं तो हल करता हूँ। आज तक कभी कोई मसला हल किया भी है आपने? अरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की बॉल गटर में गिर गई, मैंने खुद निकाल कर दी, खुश हो गए बच्चे। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है बट्टा सट्टा। जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।